मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक में श्री शनिदेव महाराज के निमित्त श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम हवन यज्ञ में सम्मिलित सभी मुख्य यजमानों से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश, नवग्रह, पंचोपचार, षोडशोपचार, कलश पूजन उपरांत पंडित अविनाश गौतम एवं पंडित पिंटू शर्मा ने आए हुए सभी भक्तों से हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। इस सप्ताह शनि अमावस्या के अवसर पर श्री शनिदेव महाराज के जाप उपरांत मां बगलामुखी जी के निमित्त भी माला मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहुतियां डाली गई। नवजीत भारद्वाज ने शनि अमावस्या को लेकर कहा कि शनि देव को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने के लिए भक्त कई तरह के उपाय करते हैं। माना जाता है कि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करने से वो प्रसन्न होते हैं। नवजीत भारद्वाज के अनुसार शनिदेव की आराधना सूर्य अस्त के बाद करना अधिक फलदायी माना जाता है। इस अवसर पर श्री गोपाल मालपानी, राकेश प्रभाकर, गीतेश हरिशंकर शर्मा, गुलशन शर्मा, बलजिंदर सिंह, अमरजीत सिंह, मधुकर, अश्विनी शर्मा धूपवाले, अमरेंद्र शर्मा, चंद्रशेखर, पंकज उपाध्याय, बाबा खन्ना, विक्रांत शर्मा, डॉक्टर जसबीर अरोड़ा, समीर चोपड़ा, बाबा जोशी, अभिलक्ष्य चुघ, वरुण सौरभ, रोहित बहल, श्यामलाल गुरबाज, जोगिंदर सिंह, ठाकुर बलदेव सिंह सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी विशाल लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। शनि महाराज अमावस्या का आपस च संबंध की है। यम दे अग्रज भाई ने और जिन्ना भी साढ़े बजुर्गों के रिलेटिड गई है अज अपने पितरों के निमित्त कोई भी जिहड़ा कार्य किया जाता है अपने बजुर्गों को तिलांजलि उस तो बाद कोई भी उन्होंने निमित्त भोजन प्रसाद कोई भी समान दिता जाता है जिन्होंने पितरी ऋण दोष लगातार लगता है उन्होंने अमावस्या का दिन बोलिया जाता है कि मंदिर गुरुद्वारे माँ की दाल दो आटा दो सरसों का तेल दो खाद्य पदार्थ दो गुड़ दो इस तरह दी बड़ियां रेमडीज है। मैं वरुण चोपड़ा लुधियाना तो अज बगलामुखी धाम लम्मा पिंड जलंधर विच आया हाँ। इत्थे हवन हुंदा है हर वीरवार ते हर शनिवार शाम नूं। इत्थे जो आके अपनी झोलियां भर के जांदा है असीं भी सारे अपने दुख संकट भुल के इत्थे जांदे हां ते सुख समृद्धि पांदे हां। मैं सारे नूं अरदास करदा कि सारे इत्थे आओ ते अपनी झोलियां भर